बड़ी खबर है इस वक्त की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कमलनाथ की गांधी परिवार के साथ अच्छी केमिस्ट्री थी, हर परिस्थिति में हम उनके साथ काम करते रहे, हमें वो पल भी याद है जब सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा था, तब भी हम कमलनाथ जी के साथ खड़े रहे, कमलनाथ कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे, उन्होंने ही राज्यसभा के लिए अशोक सिंह का नाम तय किया था, उनको लेकर जो भी खबरें चल रही हैं वो निराधार है। मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं या खबरें बन रही है, वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी, उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी, तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है, कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की, पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था, एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो खबरें हैं निराधार हैं,